मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर क्लास ऑफ एमएससी। अकॉर्डिंग टू अवर हाफ ईयरली सिलेबस वी हैव कंप्लीटेड अवर ऑल द चैप्टर्स। नाउ व्हिच इज ओनली लास्ट चैप्टर, इट इज लेसन 6। एवरीबॉडी मेक्स मिस्टेक, गलतियां सबसे होती हैं। हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, गलतियां सबसे होती है। गलतियां आपसे भी होती होंगी, हमसे भी होती है, सबसे होता है। किससे गलतियां नहीं होती है, दैट इज ओनली 1% एंड इट इज गॉड। गॉड भगवान ऐसे हैं जिनसे गलतियां कभी नहीं होती है। तो आज हमारे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि एवरीबॉडी मेक मिस्टेक, गलतियां सबसे होती हैं। सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क टू टेक आउट दिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन योर हैंड एंड प्लीज ओपन पेज नंबर 18। जैसे हमेशा हम अपने क्लास में हम पैराग्राफ हम रीड करेंगे, फिर इस लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जहां पे हम रीडिंग लगाएंगे आप हर जगह पे फिंगर ऐसे ऐसे पॉइंट करेंगे ताकि आपको पता चले कि जो वर्ड्स आपके लिए न्यू हैं उसको किस तरीके से आपको बोलना है। तो चलिए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं जो कि है एवरीबॉडी मेक्स मिस्टेक। वन डे श्याम कंप्लेन टू द टीचर। एक दिन स्कूल में क्या होता है, श्याम नाम का एक बच्चा होता है, वो टीचर से कंप्लेन करता है। क्या कंप्लेन करता है, Someone took my pencil. उसने बोला किसी ने मेरी पेंसिल ले ली। The teacher asked, Who took Shyam's pencil? टीचर ने पूछा कि श्याम की पेंसिल किसने लिया है। Everybody was quiet. सारे बच्चे ये सुन करके चुप हो गए। Some children looked around. और कुछ बच्चे इधर उधर ऐसे ऐसे करके देख रहे थे। Some looked at the teacher. और कुछ बच्चे ने क्या किया, वो अपने टीचर को देख रहे थे। The teacher asked again, Who has taken the pencil of Shyam? टीचर ने फिर से पूछा कि किसने पेंसिल लिया है श्याम की, बता दो। Nobody spoke anything. और किसी ने कुछ भी नहीं बोला, सब चुपचाप खड़े थे, कुछ टीचर को देख रहे थे, कुछ इधर उधर देख रहे थे। The teacher told the class, Be honest and tell the truth. तब टीचर ने अपने बच्चों से कहा, अपने क्लास से कहा कि हमेशा सच होना चाहिए, सच बोलना चाहिए और हमेशा कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए और एक सच्चा इंसान होकर के सच्चाई बताइए। नो बड़ी आंसर, इतना कहने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। देन द टीचर सेड, आई विल नॉट पनिश एनी बडी सो टेल द ट्रूथ। टीचर ने बोला कि मैं किसी को कोई पनिशमेंट नहीं दूंगी लेकिन तुम्हें सच बोलना पड़ेगा किसने श्याम की पेंसिल लिया है। आफ्टर सम टाइम बाबू रेज्ड हिज हैंड। कुछ देर के बाद ये सुनने के बाद कि हाँ मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बाबू नाम का एक बच्चा था, उसने अपना हाथ ऐसे उठाया। द टीचर सेड, व्हाट डू यू वांट टू से बाबू। टीचर ने पूछा तुम्हें क्या कहना है बाबू, क्या बात है बताओ। बाबू सेड, आई एम सॉरी आई टुक द पेंसिल। बाबू ने सर खड़े होते हुए बोला कि टीचर आई एम सॉरी, मेरी गलती है, पेंसिल मैंने लिया है। द टीचर सेड, डिड यू डू यू हैव इट विथ यू। टीचर ने कहा क्या वो पेंसिल तुम्हारे पास अभी है। बाबू सेड, यस मैम। बाबू ने बोला यस मीन्स वो पेंसिल अभी मेरे पास है। द टीचर सेड, व्हाई डिडंट यू से द ट्रूथ अर्लियर। टीचर ने बोला कि तुमने पहले सच्चाई क्यों नहीं बता दी। बाबू वॉज शाई हू लुक डाउन। वो बहुत शर्मिंदा हुआ, वो शर्म से अपना सर नीचे करके ऐसे खड़ा हो गया। द टीचर बी बोल्ड एंड टोल्ड स्पीक द ट्रूथ। टीचर ने कहा बोल्ड यानी कि एकदम अच्छे तरीके से, अच्छे सच्चे इंसान होकर के हमेशा खड़े होकर के सच का सामना करना चाहिए। बाबू सेड टिम्बली आई वॉज अफ्रेड। और बाबू ने डरते डरते कहा, ऐसे डरते हुए कहा कि मुझे लगा कि मैं बहुत डर गया था, डरते हुए सहमते हुए। टिमडली मतलब होता है डरते हुए सहमते हुए। बाबू गिव द पेंसिल टू द श्याम। फिर बाबू ने पेंसिल किसको दे दी, श्याम को दे दी। बाबू मेड अ मिस्टेक। बाबू ने क्या किया था, बाबू उससे गलती हुई थी। एवरीबडी मेक्स मिस्टेक, यू मे बी अफ्रेड और शाई टू स्पीक द ट्रूथ। और हर किसी से गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है किसी से गलती नहीं होती है, लेकिन यू मे बी अफ्रेड और शाई टू स्पीक द ट्रूथ। आप कभी शर्मा भी सकते हैं, डर भी सकते हैं सच बोलने में। इट इज गुड टू एडमिट योर मिस्टेक। और ये सबसे अच्छी आदत ये होती है कि हमें हमेशा अपनी गलती मान लेनी चाहिए, मान करके आगे वाले से सॉरी बोल देना चाहिए। हम कभी भी मिस्टेक अगर करते हैं तो हमें हमेशा अपनी गलती का एहसास होकर के हमें उस चीज के लिए सॉरी बोलना चाहिए। तो ये हमारे लेसन 6 का एक्सप्लेनेशन था जो कि लेसन का नाम था एवरीबडी मेक्स मिस्टेक। तो इस चैप्टर का मॉरल स्टोरी क्या है, मॉरल स्टोरी हमारा ये है इस चैप्टर का कि हमें अगर कभी भी हमसे कोई गलती होती है
ऐसा नहीं हमसे गलती नहीं हो सकती, हमसे भी गलती हो सकती है। गलती किससे नहीं होती है? भगवान से। हमसे कोई गलती होती है तो हमें हमेशा अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उस चीज के लिए सॉरी बोलना चाहिए, कभी भी उस चीज के लिए शर्मिंदा और झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। इन अवर नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो प्लीज एज अ होमवर्क प्लीज रीड द चैप्टर केयरफुली। जैसे मैंने रीडिंग लगाया हर एक लाइन को एक्सप्लेन किया है, आप प्लीज अच्छे से इस चीज को आप अपने घर पे भी रीडिंग लगाएंगे। दिस इज योर होमवर्क।